आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉडल बेस रिफ्लेक्स एजेंट। इससे पहले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड सेकंड लेक्चर हमने देखा था कि व्हाट इज एजेंट, टाइप्स ऑफ एजेंट, और सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट हमने स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सेकंड टाइप ऑफ एजेंट, दैट इज मॉडल बेस रिफ्लेक्स एजेंट। जो हमारा सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट था उसमें सिर्फ हम करंट जो इनपुट था, करंट परसेप्ट हिस्ट्री को हम देख करंट इनपुट को हम देख रहे थे और करंट इनपुट के बेस पे हम एक्शन परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री थी, जो पास्ट है, पास्ट में उसने क्या इनपुट लिया, क्या किया, क्या एक्शन परफॉर्म किया, हम उसको इग्नोर कर रहे थे। लेकिन मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट में हम दोनों चीज लेकर के चलेंगे। कुछ हम जो है पास्ट हिस्ट्री भी हम देखेंगे और जो करंट है इनपुट उसको भी हम देख करके चलेंगे। इसमें दोनों हम डिस्कस करते हैं, इसमें दोनों को कंसीडर करके चलते हैं। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू हैंडल द पार्शियली ऑब्जर्व पार्शियली द मोस्ट इफेक्टिव वे टू हैंडल द पार्शियली ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्वेबिलिटी इज द एजेंट टू कीप ट्रैक ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट कांट सी नाउ। द एजेंट शुड मेंटेन सम सॉर्ट इंटरनल स्टेट दैट डिपेंड्स ऑन द परसेप्ट हिस्ट्री एंड दस रिफ्लेक्ट एटलीस्ट सम ऑफ द अनऑब्जर्व्ड एस्पेक्ट ऑफ द करंट स्टेट। मीन्स कि क्या है कि इसमें जैसे ये बताया इसने जो परसेप्ट हिस्ट्री, जो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि ये पास्ट हिस्ट्री को भी देखता है। परसेप्ट हिस्ट्री का मतलब क्या, उसने पास्ट में क्या इनपुट लिया है, उसने क्या क्या इनपुट लिया है, तो वो सारा सब कुछ इसमें देखा जाता है जो कि वो इंटरनल स्टेट के जरिए चेक करता है। ठीक है, और यही है, परसेप्ट हिस्ट्री भी देखता है और करंट स्टेट भी देखता है, करंट इनपुट जो होता है वो भी देखता है। करंट परसेप्ट को ये चेक करता है करंट स्टेट के जरिए, और इंटरनल स्टेट के जरिए ये परसेप्ट हिस्ट्री को चेक करता है। द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट विद द इंटरनल स्टेट शोविंग हाउ द करंट परसेप्ट इज कम्बाइंड विद द ओल्ड इंटरनल स्टेट टू जनरेट द अपडेटेड डिस्क्रिप्शन ऑफ द करंट स्टेट बेस्ड ऑन द एजेंट मॉडल ऑफ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। मतलब क्या है कि जो स्ट्रक्चर है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट का, वो इंटरनल स्टेट के जरिए क्या दिखाता है कि जो करंट परसेप्ट जो है वो ओल्ड इंटरनल स्टेट या ओल्ड इंटरनेट इंटरनल परसेप्ट हिस्ट्री के साथ उसको कंबाइन कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हाउ इट वर्क वुड लाइक नाउ, मीन्स जो हाउ वुड इट लाइक नाउ वाली जो स्टेट है, ये वाली जो स्टेट है, इसका मतलब क्या है, रिप्रेजेंट द बेस्ट गैस, रिप्रेजेंट द बेस्ट गैस कि अभी वो क्या कर सकते हैं, मतलब अपनी बेस्ट नॉलेज यहाँ पे, इसका मतलब यही है इस स्टेज पे अपने वो बेस्ट नॉलेज यहाँ पे अप्लाई करेगा। लास्ट हिस्ट्री भी उसने देख ली, इंटरनल स्टेट भी देख लिया कि पास्ट में उसने क्या क्या इनपुट ली थी, उनको इवेल्युएट भी कर लिया, उसके बाद उस चेक करने के बाद पास्ट प्लस करंट प्रेजेंट देख करके वो कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा। व्हाट आई एक्शन नीड टू डू, उसके बाद कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा, वो एक्शन कुछ कंडीशन एंड रूल्स को देख करके अप्लाई करता है, एंड वो इफेक्टर के जरिए इन्वायरमेंट में अपडेट कर देता है। जैसे कि टू लेन रोड पे, टू लेन हाईवे पे कोई कार, जो कार टैक्सी ड्राइवर है यानी कि ऑटोमेटेड कार है, वो चल रही है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर टू लेंस है, कोई कार ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है, तो आप क्या करेंगे, कोई कार आपको ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है तो क्या करेंगे, या तो उसको लेफ्ट लेंगे या राइट लेंगे या अपनी कार की स्पीड स्लो करेंगे। वही चीज है कि यहाँ पे आप अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हैं, आप अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को अप्लाई करते हैं कि जो आपने पास्ट में देखा होता है। सेम लाइक दैट यहाँ पे एज ए ह्यूमन, जैसे आप डिसीजन
आप इसमें एक्शन परफॉर्म करते हैं इफेक्टर के जरिए, ठीक है? तो इफेक्टर के जरिए आप इन्वायरमेंट में एक्शन परफॉर्म करते हैं, और सेंसर के जरिए आप इनपुट लेते हैं। तो ये सब चीजें अपनी ये बेसिक डायग्राम ऑफ द मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। नेक्स्ट आता है हमारा गोल बेस्ड एजेंट। गोल बेस्ड एजेंट बेसिकली गोल बेस्ड एजेंट में क्या होता है, इसमें हम पास्ट हिस्ट्री प्लस करंट प्लस गोल, गोल का हम गोल को कंसीडर करके चलते हैं। इट कीप ट्रैक द वर्ल्ड स्टेट एज वेल एज द सेट ऑफ गोल। गोल मतलब गोल का भी ये साथ के साथ ध्यान रख के चलता है। इट ट्राइंग टू अचीव एंड चूज एन एक्शन दैट विल लीड टू अचीवमेंट ऑफ द गोल दैट विल लीड टू, मीन्स क्या है, जो ये वो एक्शन परफॉर्म करेगा जो इसके गोल को अचीव करने के लिए जो भी बेस्ट रहेगा वो ये एक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल हम यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम को क्रैक करने के लिए हम जो भी रिसोर्सेज की नीड होगी वो रिसोर्सेज हम जुटाएंगे, और उसके बाद हम जो भी हमारे एफर्ट लग सकते हैं, जो भी हमारा इनपुट हम अपनी तरफ से डाल सकते हैं वो डालेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारी परफॉर्मेंस रहेगी वो एग्जाम में आती है। सेम चीज यहाँ पे यही है कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए आप अपने एक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है? नोविंग समथिंग अबाउट करंट स्टेट ऑफ द इन्वायरमेंट इज नॉट ऑलवेज इनफ टू डिसाइड व्हाट टू डू। क्या कह रहा है कि जो करंट स्टेट की नॉलेज से सिर्फ इनफ नहीं है, करंट नॉलेज जो है वो इनफ नहीं है ये डिसाइड करने के लिए कि नेक्स्ट हमें क्या करना है, क्या करना है, या क्या गोल गोल डिसाइड करने के लिए या गोल तक पहुंचने के लिए सिर्फ करंट नॉलेज ही सफिशिएंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एट ए रोड जंक्शन द टैक्सी टर्न लेफ्ट राइट और गो स्ट्रेट ऑन। मतलब जैसे कि एक टैक्सी है, अब रोड पे चल रही है, उसको ये नहीं पता कि एट प्रेजेंट में क्या है कि वो लेफ्ट में जाएगा राइट में जाएगा स्ट्रेट जाना है। द करेक्ट डिसीजन डिपेंड ऑन वेयर द टैक्सी इज ट्राइंग टू गो टू गेट टू। गोल बेस एजेंट क्या है, गोल बेस एजेंट ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लाइन है, अगर सब कुछ भूल भी जाओ तो ये याद रख लेना। गोल बेस एजेंट क्या है, पास्ट प्लस करंट प्लस सम नॉलेज ऑफ द गोल, यही है, ये इसका मेन है कि पास्ट जो पास्ट परसेप्ट हिस्ट्री है प्लस करंट परसेप्ट जो है, पास्ट इनपुट करंट इनपुट और सम नॉलेज ऑफ द गोल, गोल की कुछ नॉलेज होनी चाहिए। बीइंग एट द पैसेंजर डेस्टिनेशन, जैसे कि एक पैसेंजर को अपने डेस्टिनेशन का पता होता है, हाँ कि मुझे हरियाणा जाना है या मुझे रोहतक जाना है या मुझे सोनीपत जाना है या मुझे चंडीगढ़ जाना है या मुझे दिल्ली जाना है या मुझे कहाँ जाना है, तो बीइंग ए पैसेंजर आपको अपना डेस्टिनेशन पता होता है, तो सेम चीज यहाँ पे है। या फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि जैसे आप कोई प्रोग्राम राइट करते हैं, प्रोग्राम राइट करते हैं तो आपको प्रोग्राम राइट करने से पहले पता होता है कि मुझे ये आउटपुट चाहिए, तो आप आउटपुट आपको पता होता है कि मुझे ये आउटपुट चाहिए, उसके रिगार्डिंग आप प्रोग्राम राइट करते हैं। तो सेम चीज हमारी गोल बेस रिफ्लेक्स एजेंट में आता है। ये गोल बेस रिफ्लेक्स एजेंट का डायग्राम है, ठीक है? तो आप इसको देख सकते हैं कि इसमें सेंसर से जो हर एजेंट के लिए कॉमन है, सेंसर से इनपुट ले रहा है, इफेक्टर से ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है, कहाँ पे इन्वायरमेंट में, ये जो कोई भी एक्शन परफॉर्म करेगा उसका कुछ न कुछ जो है आउटपुट जो है, यानी कि कुछ न कुछ इफेक्ट जो इन्वायरमेंट में पड़ेगा, ठीक है? ये आउटपुट लेगा इनपुट लेगा इन्वायरमेंट से ही, और एक्ट भी करेगा कहाँ पे इन्वायरमेंट में। वही है कि सेम चीज है कि पास्ट इसने ये देखा कि भाई इसने पास्ट में क्या किया था, फिर यहाँ पे ये करंट देखेगा क्या है, अब इन दोनों का मिक्सअप करके ये देखेगा कि उसको क्या एक्शन परफॉर्म करना है पहले, कि हाँ भाई क्या एक्शन हो सकता है, फिर उसके बाद ये देखेगा कि हाँ ठीक है कि भाई फाइनल एक्शन ये होगा इसका गोल के साथ, ये इसका गोल था, ये एक्शन ये परफॉर्म कर रहा है, ठीक है?
तो आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। अगर कोई आपको कहीं पे भी कोई भी किसी तरीके की आपको लगता है कि हाँ ये चीज समझ नहीं आ रही है, कोई भी टॉपिक आप मुझे बेझिझक होकर के बता सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो नीड टू वेस्ट मनी। आपको बिल्कुल भी पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के उसका सब्सक्रिप्शन लेकर के बिल्कुल भी नहीं है। लॉकडाउन में अपने घर पे रहिए, लॉकडाउन का बेनिफिट उठाइए, कंप्लीट बेनिफिट उठाइए। और एक तरीके से ये लोग, मेरे पास इतने ज्यादा पैसे तो नहीं है कि डोनेट करने के लिए कि आप लोगों को मैं ज्यादा डोनेट कर पाऊँ, पर जितना जो भी हुआ है वो हमने किया भी है। बट मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, ये एक मेरी तरफ से एक बेस्ट गिफ्ट आप लोगों के लिए हो सकता है। तो आप लोग इस चीज का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाइए, और आगे कोई भी ज्यादा कोई भी आपको इंक्वायरी है यूजीसी नेट रिगार्डिंग, कुछ भी अगर पूछना है, किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बेझिझक होकर के पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं क्लिक कर करके वहां पे। थैंक यू सो मच।